नीतीश कुमार जी कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी अलायंस जीतेगी। लालू जी एक फैक्टर है, मैं बार बार कहता हूँ। नीतीश कुमार कौन फैक्टर है भाई? लालू जी फैक्टर है, उनके पास वोट है, इसी के लिए तो नीतीश जी को साथ ले जाना पड़ रहा है। बिहार को बर्बाद करने वाला कोई लीडर है, उसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। विपक्षी एकता की होने वाली दूसरी बैठक को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है, लालू प्रसाद यादव फैक्टर है, उनके पास वोट है, ये किसी बैठक में शामिल हो जाए भारतीय जनता पार्टी 40 की 40 सीट बिहार में जीतने वाली है। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सबसे पहले सुनिए। रवाना हो चुके हैं नीतीश कुमार जी, सभी लोग यहाँ से रवाना हो चुके हैं। सम्राट जी देखिए, नीतीश कुमार जी कहीं जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बिहार में 40 की 40 सीट भारतीय जनता पार्टी अलायंस जीतेगी। पिछले बार से भी ज्यादा दल इस बार क्या फर्क? देखिए लालू जी एक फैक्टर है, मैं बार बार कहता हूँ। नीतीश कुमार कौन फैक्टर है भाई? लालू जी फैक्टर है, उनके पास वोट है, इसी के लिए तो नीतीश जी को साथ ले जाना पड़ रहा है गारंटर पर। चुनौती हमने दे दिया, कितनी बड़ी चुनौती होगी लालू जी, कितनी बड़ी चुनौती होगी आपके लिए? देखिए एक एक एनडीए की बैठक हो रही है भाई साहब, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा पहले भी, नीतीश कुमार जी की पार्टी एनडीए की बैठकों में जाते रहे हैं, एकदम स्पष्ट रहिए। बिहार में अब नीतीश कोई फैक्टर नहीं है, लालू प्रसाद जी से लड़ूंगा। नीतीश जी 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, बिहार का क्या दुर्दशा उन्होंने किया है आप जैसे नौजवान सब जान रहे हैं। बिहार को बर्बाद करने वाला कोई लीडर है, उसका नाम है नीतीश कुमार और दूसरे लालू प्रसाद। तो आपने सुन लिया सम्राट चौधरी का साफ तौर पे कहना है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कोई फैक्टर नहीं है, लालू प्रसाद यादव के पास जनाधार है, लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के लिए फैक्टर हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहरहाल लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेंगलुरु के लिए रवाना हो चुके हैं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।